हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार में। आज एक बहुत ही खूबसूरत पौधा जिसका नाम जेड प्लांट है, इसकी देखभाल शेयर करने जा रही हूँ और इससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आप लोगों को आज इस प्लांट वीडियो में शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को प्लांट वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। तो ये जो प्लांट है ये है जेड प्लांट। घर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। ये जो पौधा है घर में मनी को अट्रैक्ट करता है, यानी कि पैसे को आकर्षित करता है घर में रखने से। ये पौधा ऐसा है कि लॉन्ग टर्म में चलने वाला है, बहुत सालों तक आपके घर में बना रहेगा और बहुत ज़्यादा महंगे ये पौधे नहीं मिलते हैं। ये एक आउटडोर प्लांट है और इसकी जो ग्रोथ है बहुत तेज़ी से होती है, फास्ट ग्रोइंग प्लांट में से एक है। और इस प्लांट को लगाने के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी खास तरह के गमले को ही इस्तेमाल करें, आप किसी भी तरह के प्लांटर पॉट में लगा सकते हैं। आप चाहें तो आपके घर में जो पुराना जो वेस्ट बॉटल्स निकलते हैं हमारे घर से, उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मैंने इस्तेमाल किया हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पेप्सी का बॉटल था, इसको काट के मैंने इस तरह से और इसमें मिट्टी डालकर और इसमें प्लांट को लगा दिया। ये कुछ 3-4 सालों से मेरे पास पड़ा हुआ है इसी तरह, और इससे मैंने कई सारे पौधे तैयार किए हैं, बहुत सारे पौधे तैयार किए हैं, और आप भी इस तरह से बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। ये जो प्लांट है, इसकी मिट्टी की बात करूँ तो इसको किस तरह की मिट्टी में लगाना चाहिए, इसको आप सिर्फ मिट्टी में भी लगा कर रख सकते हैं, बशर्ते कि इसमें पानी का विशेष ख्याल रखें, नहीं तो इसकी जड़ें जो हैं बहुत ज़्यादा पानी देने की वजह से जल्दी गल जाती हैं। तो इस प्लांट को वैसे पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है, ये प्लांट ज़्यादा ओवर वाटरिंग की वजह से ही ख़राब होता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा पानी इस प्लांट में ना दिया करें। ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, इसकी जो पत्तियाँ होती है, अगर आप इसमें एक बार पानी देते हैं तो इसकी पत्तियाँ इसमें बहुत सारे पानी को स्टोर कर लेती हैं। जैसे मैं आप लोगों को दिखाऊं तो जैसे ये वाली जो पत्ती है फ्रेंड्स, ये देखिए, मैं तोड़ूंगी तो इसमें से पानी निकलेगा, ये देखिए जेल जैसा निकल रहा है ये लिक्विड, तो ये इसमें स्टोर कर लेता है बहुत सारा पानी अपने पत्तियों में, तो इसलिए भी इसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है पानी की। जब एक बार हम प्लांट में पानी देते हैं तो ये जो पत्तियां हैं स्टोर कर लेती हैं ज़्यादातर पानी को अपने पत्तियों में, और फिर जब इनकी रिक्वायरमेंट होती है तो ये खुद से ही अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेती हैं। तो ये जो प्लांट है, इसको जैसे कि मैंने बताया कि आप किसी भी तरह की मिट्टी में लगा सकते हैं, सिर्फ मिट्टी में भी लगा कर रख सकते हैं, चाहे तो इसके लिए मैं सॉइल भी एक खास तरह की बता दूँ आप लोगों को। आप लोग पहली बार अगर लगा रहे हैं तो खास तरह का जो सॉइल पॉटिंग मिक्स बता रही हूँ मैं, सॉइल मिक्स वो आप बना सकते हैं। जैसे एक हिस्सा मिट्टी ले, उसमें एक हिस्सा रेत, जिसको सैंड भी बोलते हैं इंग्लिश में, रिवर सैंड, वो ऐड कर लें। एक हिस्सा आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट जिसमें मिला लें, और उसके बाद इसकी रिपोर्टिंग कर लें। रिपोर्टिंग के कुछ दिनों तक, 2-3-4 दिनों तक शेडेड एरिया में रखें, उसके बाद इसको कम्प्लीटली धूप में निकाल दें। ये जो प्लांट है इसको आप शेडेड एरिया में रख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे इसमें बहुत सारे मिलीबग्स और बहुत तरह के फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, तो प्लांट बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है जिसकी वजह से। तो इसलिए इसको आउटडोर ही रखें जहाँ पे इसे बहुत अच्छी धूप मिलती हो। ये जो पौधा मैंने लगाया हुआ है फ्रेंड्स, ये देखिए, इसको पूरे दिन भर की कड़ी धूप भी मिल जाती है। गर्मियों में ये बालकनी में रखा हुआ है, इसे पूरे दिन की धूप मिलती है, फिर भी इसकी पत्तियाँ कितनी हरी भरी हैं, ये देखिए बहुत ज़्यादा हरी भरी है। तो इसकी ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको एक बार लगा दिया, उसके बाद इसकी मिट्टी जब पूरी तरह से एक बार पानी देते हैं तो पूरी तरह से, जब इसकी मिट्टी दोबारा जब सूख जाए, पूरी तरह से सूख जाए और इसकी पत्तियां आप लोगों को लगे कि हल्की सी मुड़ रही हैं, श्रिंक हो रही हैं, तब आप इसमें पानी डालें, या फिर मिट्टी पूरी सूखने लगती है तभी आप इसमें पानी दिया करें। पानी बहुत ज़्यादा ना दिया करें, मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि उसकी वजह से ये प्लांट बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इसको आप कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं, इसकी छोटी सी छोटी कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है। इस प्लांट को आप हैंगिंग बास्केट में लगा कर रखें तो बेहद खूबसूरत लगता है, और इस तरह के प्लांटर में आप लगाएँ तो इसमें और भी ज़्यादा प्यारे लगते हैं। ये जब प्लांट एक बार मच्योर हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाएगा और कई सालों पुराना हो जाए, तो आप इसकी प्रूनिंग बहुत जल्दी जल्दी किया करें। प्रूनिंग के लिए सबसे अच्छा जो टाइम होता है बरसात का होता है, और इसके अलावा आप फरवरी के महीने में इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। वैसे तो इसकी प्रूनिंग आप गर्मियों को छोड़ कर किसी भी मंथ में कर सकते हैं, और इसकी जितनी ज़्यादा प्रूनिंग आप करेंगे उतनी ज़्यादा ये इसका जो प्लांट है उतना ज़्यादा घना बनेगा और बुशी हो जाएगा, और उतना ही ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। और एक प्लांट से आप ढेरों प्लांट भी तैयार कर लेंगे बहुत जल्दी जल्दी। खाद के लिए आप महीने में, 2 महीने में
वैसे तो आप हर महीने इसमें खाद दें, मैं तो इस पौधे में मैंने जाने कितने महीनों से मैंने इसमें खाद नहीं दिया, फिर भी ये बेचारा चल ही रहा है। तो अब इसमें सोच रही हूँ खाद दे ही देना चाहिए। तो आप लोग ऐसा ना करें, अपने प्लांट में रेगुलर बेसिस पे हर मंथ में आप लोग इसमें गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट ज़रूर दिया करें, जिससे कि प्लांट की जो ग्रोथ है अच्छी तरह से होती रहती है। और ये जो प्लांट है बहुत ज़्यादा महंगे नहीं मिलते हैं किसी भी प्लांट नर्सरी में, या फिर आपके किसी दोस्त के पास, किसी फ्रेंड सर्कल में किसी के पास है तो आप उनसे भी ले सकते हैं। इसकी जैसे कि मैंने बताया, छोटी सी छोटी कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है और इसकी देखभाल करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस प्लांट को बस आप धूप में रखें, पानी अच्छे से देते रहें और महीने में एक बार अच्छे से इसमें खाद डालते रहें। खाद कोई सा भी डाल सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद, तो इससे इसकी जो ग्रोथ है बहुत अच्छी होती रहती है। ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, अगर आप इसको इंडोर यानी कि घर के अंदर शेडेड एरिया में भी रखते हैं तो वहाँ पर ये प्लांट बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। कारण होता है बहुत ज़्यादा पानी जब हम लोग प्लांट में दे देते हैं तो उसकी मिट्टी सूखती नहीं है, पानी ज़्यादा होने की वजह से इसकी जड़ों में फंगस डेवलप हो जाता है मिट्टी में और इसके जड़ों को पहले ख़राब करता है और फिर बाद में धीरे धीरे इसकी पत्तियों को भी ख़राब करने लगता है। इसकी पत्तियों को जब ख़राब करेगा तो पत्तियों के बीच में इस तरह के ये देखिए ब्राउन स्पॉट्स आप लोगों को दिखाई देंगे, तो आप समझ जाएँ कि आपके प्लांट में फंगल इन्फेक्शन लग गया है। तो इसको ठीक करने के लिए आप किसी भी तरह के कोई सा अच्छा सा फंजीसाइड पाउडर आप एक चम्मच एक से आधा लीटर पानी में मिक्स करके इसकी पत्तियों पे स्प्रे करें और बाकी बचा जो पानी है इसके गमले में आप डाल दें, तो इससे जो है फंगल इन्फेक्शन ठीक होता रहता है। और इसको कम्प्लीटली धूप में रखेंगे तो ये प्लांट बहुत जल्दी रिकवर होता है फंगल इन्फेक्शन से। और जब फंगल इन्फेक्शन इस प्लांट में हो रहा है या हो चुका है तो इसमें पानी बहुत कम दें, ना के बराबर। एक बार इसमें पानी देते हैं तो दोबारा इसकी मिट्टी पूरी तरह जब सूख जाए तभी इसमें पानी दिया करें। बहुत ज़्यादा पानी देने की वजह से ये जो प्लांट है मरने लगता है और फंगल इन्फेक्शन हो जाता है इस प्लांट में, तो इन बातों का ध्यान रखें। और ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, ये कहते हैं कि बहुत ही शुभ होता है घर में रखना, ये मनी को अट्रैक्ट करता है। तो आप चाहे तो आप बहुत सारे पौधे भी इससे तैयार कर सकते हैं। कोई छोटा सा आपका कॉफ़ी मग ख़राब हो गया है, छोटे से छोटे प्लांटर्स में भी आप इसको लगा कर रख सकते हैं, तो इससे आप बहुत सारे प्लांट्स बना लेंगे। आप चाहे तो कॉफ़ी मग में या कोई कप आपका टूट गया है, जो क्रैक हो गया है, पूरी तरह से टूटा नहीं है, उसमें भी लगा कर रख सकते हैं, क्योंकि ये जो प्लांट है किसी भी तरह के प्लांटर पॉट में बहुत ईजिली सर्वाइव करता है। इसे ज़्यादा किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस इसकी जो खास रिक्वायरमेंट होती है अच्छी ग्रोथ के लिए, हेल्दी ग्रोथ के लिए, वो है इससे न्यूट्रिशियस खाद आप मंथली देते रहें एक बार, और कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा खाद ना दें। इसे बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है जेड प्लांट को, थोड़ी सी खाद में ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो होते रहते हैं। और धूप इस प्लांट को पूरी तरह से मिले ये इंश्योर करें, तब आपका जो प्लांट है वो हेल्दी बना रहेगा। और प्लांट की जड़ों में पानी बहुत ज़्यादा ना दें, इसमें एक बार पानी देने के बाद दोबारा जब मिट्टी सूख जाए तभी इसमें पानी दिया करें, और फिर आपका जो प्लांट है वो हेल्दी बना रहेगा। तो यही था आज का हमारा प्लांट वीडियो, जेड प्लांट की देखभाल कैसे करें। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।